महंगाई है बहुत बड़ी है, ये सब हम सब का मसला है। ये अपोजिशन अपनी जान नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि ये जो किया धरता है वो अपोजिशन, आज जो अपोजिशन है हुकूमत में थी उनका है, मगर हम ये बहाना करके भागना नहीं चाहते, फेस करना चाहते हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर हम 2-3 साल मुसलसल अपना टारगेट फिट करें तो 3 साल के अंदर जो हमारी महंगाई है वो कम आ जाएगी। और हमारा हम अगर अपनी तवज्जो एग्रीकल्चर पे दें तो मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर हमारे पास ऐसा बड़ा हथियार है जिससे हम अपोजिशन को अपना सॉरी महंगाई को कम कर सकते हैं। मैं नहीं समझता चाचा भतीजे का होगा तनाजा होना पंजाब और वफाक में, इसका मतलब है कि बेटरनेस की तरफ हम जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं है कि चाचा कोई ऑर्डर कर दे को फाइनल है, ये नहीं कि भतीजी कोई ऑर्डर करे फाइनल है। ये आप लोगों का सोच अब कम से कम ख़त्म हो गया कि अब मिल के काम करेंगे और जो चाहे करेंगे वो ऐसा नहीं हो सकता। निगरान हुकूमत का मसला है क्योंकि इलेक्शंस हो रही थी, क्रिमिनल्स को कोई नहीं कह रहा था, तवज्जो सारी लॉ एंड ऑर्डर पर थी, तो ये जो लंबा टाइम चला 3 महीने के बजाय 5-6 महीने पर हम चले गए, इसका असर बहुत बहुत बुरा पड़ा है। मगर ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते, हमें फेस करना है और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है। ये बहुत शर्मनाक वाकया है, पहले होता था ऐसे फिर बंद हो गया फिर सर उठाया है, तो ये शर्मनाक वाकया है, इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा कि ये कम से कम 2.5-3 साल का मसला है, कोई 3 महीने इमरान खान की तरह कि मैं आके ही 1 महीने के अंदर हर चीज़ कर दूंगा, 200 बिलियन लाऊंगा, 100 इधर मारूंगा, 100 इधर मारूंगा, वो हम नहीं कहेंगे। हम कहते हैं कि कम से कम 3 महीने 3 साल चाहिए कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि डॉलर भी अब नीचे जाना शुरू होगा, देना ये जदीद असला जब तक नहीं देंगे लाइन ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, देना पड़ेगा। वजह बहुत सी होती होंगी मगर ये मिलना चाहिए, इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसराइल वो अभी भी इसराइल के साथ खड़े हैं, मुनाफ़काना रवैया है, अभी भी खड़े हैं, इसराइल को फुल मदद दे रहे हैं और मुसलमानों को कुचलने की बात कर रहे हैं। फ़लस्तीन हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीन की हिमायत करें और इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ ना करे। 1973-74 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 7 दिन के अंदर वार को ख़त्म करवाया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। तो अब भी अगर हम चाहें तो बहुत से रास्ते हैं।